हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बनने वाली मलाई ब्रेड रोल। ब्रेड के साइड्स को कट करके निकाल लिया है। अब इस तरीके से हम ब्रेड को फ्लैट कर लेंगे। सारी ब्रेड को इसी तरीके से फ्लैट कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन में खोवा डालेंगे। मैंने खोवा घर में बनाया हुआ है, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। लो फ्लेम पर मावे को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें 3 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। 2 सफ़ेद इलायची का पाउडर डालेंगे। शुगर घुलने तक हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए काजू डालेंगे। किशमिश और कटे हुए बादाम डालेंगे। आप चाहे तो पिस्ता या तो फिर कोई भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक धीमी आग पर पकाएंगे। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। एक पैन में मावा डालेंगे। आप चाहे तो मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मावे को थोड़ा मैंने दूध डालकर पतला कर लिया है। 3 टीस्पून शुगर ऐड करके शुगर घुलने तक इसको हम पकाएंगे। शुगर घुल चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। फ्लैट करके जो ब्रेड को रखा था उसमें मावा भर लेंगे। एक प्लेट में ब्रेड को रखेंगे। साइड पे मावे को डालेंगे। इस तरीके से इसको घुमाते हुए रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड में मावे को भरेंगे। हल्के से प्रेस करते हुए घुमाकर इसका रोल बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें स्टफिंग ज्यादा भी भर सकते हैं। स्वाद अनुसार आप शुगर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। एक प्लेट में सारे रोल्स को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। मावे को सारे रोल्स पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे।
आप चाहे तो मावे में और थोड़ा सा दूध मिलाकर इसके कंसिस्टेंसी को पतला भी कर सकते हैं, या तो फिर आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटा हुआ काजू बादाम और किशमिश को डालेंगे, थोड़े से ज़ाफ़रान को डालेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मलाई रोल को इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। 5 मिनट मलाई रोल को प्री हीटेड ओवन में 120 डिग्रीज पे कुक कर लेंगे। मलाई रोल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं तो बेल बटन को प्रेस कीजिए, जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।